वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रार और हम बात करेंगे अब प्लाईवुड सेगमेंट की एक बड़ी कंपनी ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज। इनफैक्ट कंपनी एशिया की सबसे बड़ी लैमिनेट्स प्रोडक्शन कंपनी है। कंपनी का 100 से ज्यादा देशों में कारोबार है। रियल एस्टेट में सुस्ती का कंपनी पर कितना असर हुआ है और आगे कंपनी का क्या आउटलुक और प्लान्स हैं, इन सभी बातों पर डिस्कस करते हैं। अब हम चलते हैं सीधे कंपनी के CFO अशोक कुमार मेहता के पास। मिस्टर मेहता, गुड आफ्टरनून, थैंक यू। सबसे पहले आपके नंबर्स अगर मैं देखूं तो जो पिछले क्वार्टर में आपने दिए, अच्छा क्वार्टर रहा। मेन लैमिनेट बिजनेस जो आपका मेन बिजनेस है उसने भी अच्छा किया है, तो की हाइलाइट्स क्या रहे, क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हैं और क्या वो कंटिन्यू होंगे आगे भी? मुझे लगता है फर्स्ट क्वार्टर में हमारे जो रिजल्ट जो है आशा के अनुरूप नहीं थे, बिकॉज हम लोगों ने कुछ हमारे IT सिस्टम्स को अपडेट किया था, उसके कारण से फर्स्ट क्वार्टर हमारा ठीक नहीं था। सेकेंड क्वार्टर हमारा जो हमारा एनुअल टारगेट है उसी पर पूरा खरा उतरा था। तो मुझे लगता है कि ये जो सेकेंड क्वार्टर में जो रिजल्ट है इसमें कुछ खास नहीं था, ये हमारा जो एनुअल टारगेट हम लोगों ने बनाया था उसी के अनुरूप था। ऑलराइट, अगर मार्जिन्स की बात करूं तो वहां पर भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या आप ये सस्टेन कर पाएंगे मार्जिन्स आगे चलकर? आइडियल प्रोडक्ट मिक्स क्या है जो आप टारगेट कर रहे हैं? ये कंटिन्यू रहेगा। इसके अंदर में मार्जिन इम्प्रूव होने के दो रीजन थे, जैसा आपने बोला बेहतर मिक्स एंड रॉ मटेरियल प्राइस भी जो अभी कंट्रोल के अंदर में, इसमें कोई रॉ मटेरियल प्राइस जो है इंक्रीज होने की कोई अभी संभावना नहीं लग रही है। तो मुझे लगता है जो मार्जिन है वो यहाँ से सेम पर कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। ओके, मार्जिन कंटिन्यू होगी यहाँ सर। यहाँ से डेकोरेटिव वेनियर रेवेन्यू जो हमने देखा वहां पर थोड़ी डीग्रोथ आई है Q2 में, इवन जब हमने देखा वॉल्यूम्स ऊपर गए 2.3% तक, क्या खास वजह रही? क्या आप उस पर प्राइसिंग और कॉस्ट रिलेटेड कंसर्न्स देख रहे हैं? ऑल्सो क्या आप ब्रेक इवन लेवल पर हैं सेगमेंट में? डेकोरेटिव वीनियर के अंदर में अगर आप देखेंगे, डेकोरेटिव वीनियर में हमारे तीन प्रोडक्ट हैं। एक डेकोरेटिव वीनियर पैनल जो कि पुराना प्रोडक्ट है, हम उसमें 15 साल से हैं, उसके अंदर में भी लास्ट क्वार्टर के अंदर में डीग्रोथ देखने को मिला था बिकॉज ऑफ मार्केट कॉम्पिटिशन। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर में हमारा जो है नेगेटिव बिकॉज ऑफ हमारे रीजन से था। तो और उसके अलावा दो और प्रोडक्ट हैं जो इंजीनियर फ्लोरिंग एंड इंजीनियर डोर्स, उसमें अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, वी आर इंक्रीजिंग सेल्स। हालांकि हमारा इंजीनियरिंग फ्लोर के अंदर में अभी हमारा ब्रेक इवन नहीं हुआ है, बट वी आर होपफुल दैट कि इस साल के एंड तक हम उसमें ब्रेक इवन कर पाएंगे। डोर्स बिजनेस लास्ट क्वार्टर के अंदर में जस्ट नियर टू ब्रेक इवन था, तो हम होपफुल हैं कि आने वाले क्वार्टर में हम ब्रेक इवन कर पाए। अच्छा, तो आगे आने वाले क्वार्टर में ब्रेक इवन होने की उम्मीद है। सर, प्राइसेस कैसे हैं बाकी प्रोडक्ट्स के? क्या कोई प्राइस हाइक है इन दी ऑफरिंग? ऑल्सो रॉ मटेरियल प्राइस ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं इस वक्त? रॉ मटेरियल प्राइस का ट्रेंड अभी स्टेटस को आप बोलेंगे पिछले क्वार्टर जैसा ही रॉ मटेरियल प्राइस का ट्रेंड है। ओके, तो इसके अंदर में अभी हम कोई रॉ मटेरियल प्राइस में इंक्रीज नहीं देख रहे हैं थर्ड क्वार्टर एटलीस्ट या बिगनिंग ऑफ फोर्थ क्वार्टर तक जो है, तो हमारा प्राइस इंक्रीज करने का अभी कोई प्लान नहीं है। नॉर्मली हम लोग प्राइस इंक्रीज रॉ मटेरियल प्राइस को ऑफसेट करने के लिए करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि रॉ मटेरियल प्राइस कंट्रोल में है, तो अभी हमारा प्राइस इंक्रीज करने का फिलहाल कोई प्लान नहीं। ओके, नो प्राइस हाइक्स इन दी ऑफिंग, करेक्ट। सो ये क्लैरिटी है। करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसी है सर, और कोई कैपेक्स लाइनअप किया हुआ है फ्यूचर में? इफ यस, व्हाट इज द क्वांटम? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारा अभी 95-100% के बीच में है। हम लोगों ने कैपेसिटी एक एडिशन किया था जो टुवर्ड्स मिड ऑफ सेप्टेम्बर के अंदर में आई थी, जिसका कि बेनिफिट अब हमारे को Q3 एंड Q4 में देखने को मिलेगा। ओके, और आपके डिमांड ट्रेंड्स फिलहाल क्या कह रहे हैं Q3 के? क्या पिकअप हो रही है डिमांड? अच्छे सिग्नल्स आ रहे हैं इस वक्त? डिमांड ट्रेंड अगर आप देखेंगे रेजिडेंशियल सेगमेंट के अंदर में तो बहुत ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं नजर आ रहा है, अभी यथास्थिति बनी हुई है। थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट कुछ सर्टेन पॉकेट्स में, कुछ सर्टेन एरिया के अंदर में कमर्शियल में देखने को मिल रहा है, बट इसका कितना इंपैक्ट होगा टोटल कंपनी के रेवेन्यू पर, सो इन सब चीजों को देखते हुए ही हम लोगों ने जो हमारा एनुअल टारगेट है वी बिलीव कि उसी के रेंज के अंदर में हम लोग रहेंगे। ओके, और एक्सपोर्ट मार्केट्स में सर कैसा अभी परफॉर्मेंस रहा है, कैसे कर रहे हैं वो, और वहां से आप कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
हम मेनली लैमिनेट एक्सपोर्ट करते हैं। लैमिनेट में हम लास्ट 10 सालों से इंडिया के नंबर वन लैमिनेट एक्सपोर्टर हैं। लैमिनेट क्लोज टू 50% हमारा एक्सपोर्ट होता है। ओवरऑल कंपनी का अराउंड 40-42% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। एक्सपोर्ट मार्केट इस अभी जो है ठीक लग रहा है, बिकॉज हम लोग जैसा कि जो है हम लोग पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट मार्केट जो है अभी पिछले साल भी हमारा ठीक गया था और हमें उम्मीद है कि इस साल भी हमारा एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो ठीक रहेगा। फाइनली सर, ग्रोथ आउटलुक कैसा लग रहा है बाकी बचा हुआ साल के लिए, FY20 और FY21 के लिए क्या प्लान्स हैं? FY20 के अंदर में इनिशियली हमने 10-12% ग्रोथ टारगेट रखा है एंड हमें बिलीव है कि क्वार्टर टू को देखते हुए हम उसको मेंटेन कर पाएंगे, हम उसको अचीव कर पाएंगे। तो जो प्लान किए हैं वो अचीव कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज के बारे में बताने के लिए। अशोक कुमार मेहता CFO ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज हमारे साथ बात की और बताया कंपनी के नंबर्स कैसे रहे और आगे के आउटलुक कैसा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे वायदा बाजार का खास शो सुपरफास्ट फ्यूचर्स। आप हमारे साथ जुड़े रहिए।